गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्निकल वसीम। फाइनली जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एडिट ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप अपने फॉर्म में एडिट कैसे करोगे, चाहे आप अपने नेम में कैटेगरी या प्रेफरेंस या किसी भी चीज में एडिट करना चाहते हो तो आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। इसका जो डेट है वो 23/7 से लेके 29/7/2022 तक आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आप अपने जेकेएसएसबी फॉर्म में एडिट कैसे करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा जेकेएसएसबी। जेकेएसएसबी सर्च करने के बाद आपके सामने jkssb.nice.in का जो एसएसबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा। तो आपको इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइजमेंट 3/2022। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स ऑफ रूरल डिपार्टमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे व्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। व्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई एम नॉट अ रोबोट। तो आपको लॉग इन कर देना। अगर आपने कहीं साइबर कैफे से या किसी कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भरा होगा तो आपको यहाँ पे अगर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन पे को। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फॉरगेट एप्लीकेशन। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। यहाँ से आप अपने जो पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हो। तो आपको उसके बाद एक लिंक भेजा जाएगा मेल पे, तो आपको वो वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। उसके बाद आपको फिर से वापस साइट पे आ जाना है। साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड। ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन। उसके बाद आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशन, यहाँ पे डैशबोर्ड के आगे एक ऑप्शन आ रहा है माय एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहली ऑप्शन आ रहा है पंचायत सेक्रेटरी का, इसमें आपको स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी डिटेल्स व्यू भी कर सकते हो कि आपको कहाँ पे गलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है चेंज कैटेगरी का, आप अपनी जो कैटेगरी में अगर गलती की है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करना होगा। एडिट डिटेल पे क्लिक करना होगा तो चाहे आपको यहाँ पे अपने जो डिस्ट्रिक्ट कैडर आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें अगर आपने एक दो ही सिलेक्ट किया है, आप सारे करना चाहते हो तो वो भी करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्रेफरेंस में चेंजिंग करना चाहते हो तो आप अपने प्रेफरेंस में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद चाहे आप अपने नेम में, फादर नेम में या मदर नेम में किसी भी चीज में एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। चाहे आप अपने परमानेंट एड्रेस में एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, या आपको अगर अपने हाउस नंबर को एडिट करना है, किसी भी चीज में एडिट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू, चाहे आपको कैटेगरी में एडिट करना है, उसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद आपको अगर यहाँ से एडिट करना होगा तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद अगर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कहीं गलती की होगी तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर क्लिक करना होगा सेव एंड कंटिन्यू। चाहे आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपने अपने फोटो में गलती की है, आपने गलत फोटो अपलोड किया या सिग्नेचर में कोई मिस्टेक की है तो आप वो चीज भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। सारे डिटेल्स आने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। और ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।